में आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाट धर्मशाला में सर्व जातीय सर्व खाप की महापंचायत होगी, आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी, ये बड़ी खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और कल मुजफ्फरनगर में हुई थी खाप महापंचायत। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और अब ये महापंचायत आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाट धर्मशाला में सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत होगी, आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है और इस मामले में लगातार यह मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंतर मंतर से खिलाड़ियों को 28 तारीख से हटाया गया है, उसके बाद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद हर की पैड़ी पर पहुंचे थे अपने मेडल बहाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, लेकिन वहां से उन्हें रोक लिया गया किसी तरह। और अब कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई तो आज कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जुटेंगे खाप के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के प्रतिनिधि। विनोद खुंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनोद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आज की महापंचायत के बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज करीब 11 बजे के बाद कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में खाप पंचायतों की एक बैठक होने जा रही है और जो बैठक जो पहलवान जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं उनके समर्थन में कोई आर पार का कोई निर्णय हो सकता है पतकों की। इसी के साथ हालांकि 4 तारीख को जींद में भी बैठक रखी हुई है, परंतु जो हमें सर्व खाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष दहिया, उन्होंने बताया कि आज जो एक लड़ाई होगी इसमें एक तरह से जो हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के जो सर्व खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वो एकत्रित होंगे और उसमें बैठकर निर्णय लेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंचेगी। जी, इसके अलावा इस बारे में क्या जानकारी आज पहलवानों की तरफ से, कौन कौन से पहलवान यहाँ पर पहुंचेंगे इस कार्यक्रम? जी, क्योंकि पहलवानों के बारे में कोई अभी कोई बात स्पष्ट नहीं की गई कि पहलवान यहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, परंतु हमें जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो सिर्फ सर्व खाप पंचायतों के बारे में ही मिल रही है, क्योंकि जो अलग अलग खापे हैं उनके जो पदाधिकारी है जो नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। और क्योंकि अब खापों ने निर्णय लेना है कि क्योंकि अभी तक जो लड़ाई थी वो पहलवान लड़ रहे थे, परंतु जो संतोष दहिया ने कहा है कि क्योंकि ये कोई फैसला सरकार नहीं कर रही है तो ऐसे में खापों को फैसला करने के लिए एक संघर्ष करना होगा, तभी कोई निर्णय में पहुंच पाएगी। जी, और कौन कौन से किसान संगठन या खाप पंचायतें यहाँ पर पहुंचने वाली हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि राकेश टिकैत का नाम लिया जा रहा है तो भारतीय किसान यूनियन भी यहाँ पर पहुंचने की जो बात कही जा रही है और भारतीय किसान यूनियन के साथ ही अन्य किसान संगठन जुड़े हुए हैं। और जो बताया जाता है कि भी जो किसानों का एक जो और जो खापों का एक तीसरा मोर्चा भी यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा विनोद, और जो भी ताजा अपडेट्स होंगे वो अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी और आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में यह महापंचायत पहलवानों के समर्थन में होने वाली है।